दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पिल चैनल। आज आप जानेंगे शिंदे गुट का राज ठाकरे ने दिया एमएनएस की विलय का ऑफर। उद्धव ठाकरे बोले इस पर खुलकर। उद्धव ठाकरे रविवार की शाम मुंबई में काला चौकी इलाके में शिवसेना की एक शाखा का उद्घाटन करते हुए पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिंदे गुट और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके दौरान उन्हें राज ठाकरे का भी जिक्र किया है। राज ठाकरे ने शनिवार को एक मराठी न्यूज चैनल Z24 तास को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर शिंदे गुट के साथ वह नौबत आती है कि शिवसेना पर उनके दावे का स्वीकार नहीं किया जाए तो वे अपनी पार्टी में शिंदे और उनके समर्थकों को विलप का प्राप्त को स्वीकार कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, भांडखोरों के पास अब एक ही उपाय बचा है। कानून कहता है कि उन्हें किसी न किसी पार्टी में अपने गुट का विलय करना होगा। वे किसी पार्टी में जाएंगे। कल उन्होंने एक पार्टी का ऑफर भी दिया है। ऐसा कह कर उद्धव ठाकरे हंसने लगे। तभी सामने मौजूद शिवसेनाओं के भीड़ में से आवाज लगाई, केमिकल लोचा, केमिकल लोचा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी उनके साथ सुर में मिलाते हुए कहा कि कितने लोगों को केमिकल लोचा हुआ है यह कहना मुश्किल है। यह है राज ठाकरे से जुड़ी केमिकल लोचे की कहानी। राज ठाकरे से आखिरी दौर में राज ठाकरे ने हिंदुत्व की भूमिका अपनाई थी। बाला साहेब ठाकरे की तरह भी वे भागवल शॉल ओढ़ कर हाथों में आरती की थाली लिए नजर आए थे। ऐसी कई फोटोज आई थी जिसमें राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के मैजी रिम्स को अपनाते हुए नजर आ रहे थे। इनकी खींची करते हुए उद्धव ठाकरे ने मुंबई पुलिस के बीकेसी ग्राउंड की सभा में लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म की कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह मुन्ना भाई ने के जहन दिन रात गांधी जी छाए रहते थे, वैसे ही मुझे लोगों को मुन्ना भाई की तरह केमिकल लोचा हो गया है। उन्हें लगता है कि उनमें बाला साहेब ठाकरे समा गए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।